हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल चेक किया, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि किस तरह से आपको शाला दर्पण पोर्टल पर कार्मिकों के प्रपत्र 10 को लॉक करना है और किस तरह से प्रपत्र 10 को वेरीफाई करना है। तो ये दोनों ही प्रोसेस हमें बारी बारी से फॉलो करनी है। सबसे पहले हम कार्मिकों के प्रपत्र 10 को लॉक करेंगे और उसके बाद में हम वेरीफाई करेंगे। तो यह दोनों प्रक्रिया हमें किस प्रकार से करनी है, वही सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला काम, आपको आपके शाला दर्पण पर लॉग इन होना होगा स्कूल के आईडी और पासवर्ड की सहायता से। जैसे आप लॉग इन होंगे तो आपको स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टाफ आपका जो टैब है कार्मिक टैब पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप कार्मिक टैब पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफी सारे ऑप्शन यहां पर स्क्रीन पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहे हैं उसी तरह से आपको दिखाई देंगे। यहां पर कार्मिकों का प्रपत्र 10 लॉक भी हमें करना है और लॉक करने के बाद में प्रपत्र 10 को हमें वेरीफाई भी यहां पर करना है, तब जाकर के हमारा सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर हम दो टैब्स की सहायता से यह दोनों प्रक्रिया हम फॉलो करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमें प्रपत्र 10 लॉक करना है और उसके बाद में किस तरह से हमें प्रपत्र 10 को, सभी कार्मिकों का प्रपत्र 10 को हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा कार्मिक विस्तृत विवरण प्रविष्टि। कार्मिक विस्तृत विवरण प्रविष्टि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कार्मिक विस्तृत विवरण प्रविष्टि। तो सबसे पहले हमें इस टैब में जाना है। कार्मिकों की जो विस्तृत विवरण है, 10 या 11 जो योग्यताएं हैं उनकी, उनकी जो डिटेल है, उन डिटेल को हमें यहां पर अपडेट करना है। हमने ऑलरेडी उनको भरा हुआ है, कोई चेंजेज अगर हमें करना है तो वो चेंजेज हमें यहाँ पर करना है और प्रत्येक प्रपत्र को हमें यहाँ पर बारी बारी से लॉक करना है। मान लीजिए सबसे पहले अगर हम शैक्षिक योग्यता का प्रपत्र हम खोलते हैं तो शैक्षिक योग्यता का जो टैब है, जानकारी है, उसको हमें यहाँ पर लॉक करना है। इसके बाद सेवा का विवरण है, अगर वो हम देखते हैं तो उसको भी हमें बारी बारी से लॉक करना है। प्रत्येक विवरण को हमें बारी बारी से लॉक करना है और उसके बाद में हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर एक अलग से टैब आपको यहाँ दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, कार्मिक फॉर्मेट 10 वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर जो दूसरा टैब है आपका कार्मिक फॉर्मेट 10 वेरिफिकेशन, यहाँ पर आकर के हमें सभी कार्मिकों का जो प्रपत्र 10 है वो वेरीफाई यहाँ पर करना है। तो चलिए किस तरह से हमें वेरीफाई करना है हम देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे ही आप कार्मिक विस्तृत विवरण प्रविष्टि पर एंट्री करेंगे तो आपके सभी कार्मिकों के नाम आपको इस तरह से शो होंगे और नाम के सामने आपको प्रत्येक कार्मिक की सभी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पर सभी डिटेल्स पर यस लिखा हुआ है, इसका मतलब सभी कार्मिकों के विस्तृत विवरण जो प्रविष्टि है, ये जो 11 विवरण है वो यहाँ पर हमने भर दिए हैं। अगर यहाँ पर एन लिखा हुआ है रेड कलर में, इसका तात्पर्य है कि कार्मिकों के जो विस्तृत विवरण प्रविष्टि है वो अभी भरी जानी बाकी है। जब आप विस्तृत विवरण प्रविष्टि यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे तो प्रत्येक कार्मिक की डिटेल पर आपको इस तरह से वाई का साइन आपको दिखाई देगा। इसका मतलब प्रत्येक विवरण की जो प्रविष्टि है वो आपने यहाँ पर भर दी है और अगर कोई चेंजेज आपको यहाँ पर करना है तो आप सबसे पहले जो एक्शन है यहाँ आपको लिखा हुआ है, क्लिक हेयर फॉर्म एंट्री एंड एडिट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको कोई भी प्रविष्टि में अगर एडिट करना है तो इस पर क्लिक करके आप वहाँ पर जाकर के बड़े ही आसानी से उस एंट्री को फिल कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। जैसे ही सेव सक्सेसफुली का नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा तो आपका जो नया डाटा है वो वहाँ पर आपका सेव हो जाएगा और उसी प्रकार आपको यहाँ पर प्रत्येक कार्मिक का डाटा आपको सेव कर देना है। इसके बाद में आपको वहाँ पर लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा। चलिए हम देखते हैं किस तरह से आपको लॉक करना है। जैसे ही आप प्रत्येक विवरण की एंट्री आप कर देंगे तब आपको बिल्कुल प्रत्येक प्रपत्र के नीचे आपको इस तरह से लॉक का ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लॉक का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो प्रत्येक विवरण को आपको बारी बारी से, 10 या 11 जो विवरण है, बारी बारी से प्रत्येक विवरण को आपको यहाँ पर लॉक कर देना है और नेक्स्ट पर आपको चले जाना है और बारी बारी से सभी टीचर्स के लिए यह जो स्टेप्स है आपको फॉलो करनी है। देखिए पिछली प्रक्रिया के तहत जैसे ही आप सभी कार्मिकों के सभी विवरणों को बारी बारी से लॉक कर देंगे उसके पश्चात आपको दूसरा टैब का उपयोग करना है, जो कि आपका दूसरा टैब था एम्प्लॉय फॉर्मेट 10 वेरिफिकेशन। कार्मिक प्रपत्र 10 वेरिफिकेशन वाले टैब पर आपको चले आना है। जैसे ही आप उस टैब पर, वेरिफिकेशन टैब पर आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके विद्यालय का नाम दिखाई देगा,
उस नाम पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप विद्यालय के नाम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की कुछ स्क्रीन आपको दिखाई देगी, जैसा कि आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमें पर्सनल डिटेल आपको दिखाई देगी, कंप्लीट जो 11 या जो 12 डिटेल्स हमने सभी कार्मिकों की भरी थी वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई देने वाली है। अब यहाँ पर कुछ पर आपको रेड लॉक दिखाई देगा, कुछ पर आपको ग्रीन लॉक आपको दिखाई देगा और कुछ पर आपको राइट का साइन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो क्या इन तीनों साइंस के मतलब हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें कि आपको यहाँ पर रेड लॉक जो है बिना लॉक का आपको ताला दिखाई देगा ये वाला, इसका मतलब ये है कि आपने उस कार्मिक का जो विवरण है वो आपने लॉक नहीं किया है। एजुकेशनल डिटेल इस कार्मिक की लॉक नहीं हुई है, तो आपको उसी कार्मिक विस्तृत विवरण परिष्टि में जाकर के उसकी जो एजुकेशन डिटेल है वो आपको प्रपत्र जो विवरण है उसको वहां जाकर के लॉक करना है। जैसे ही आप लॉक कर देंगे तो आपको ग्रीन लॉक इस तरह से दिखाई दे देगा। इस कार्मिक का जो प्रपत्र 10 है, विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 जो है वो लॉक यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल लॉक हो चुकी है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई देगी। तीसरी साइन मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि ये वाला जो साइन है जिसको मैं अभी प्रेजेंट में आपको सामने गोला करके दिखा रहा हूँ, ये साइन है कि आपने उस कार्मिक का प्रपत्र 10 लॉक भी कर दिया है और लॉक करने के बाद में आपने उस कार्मिक का प्रपत्र 10 को वेरीफाई भी कर दिया है। जब आप सभी कार्मिकों के प्रपत्र 10 वेरीफाई कर देंगे तो इस तरह से आपको साइन यहां पर दिखाई देने वाला है। तो यह था आपका प्रोसेस कि किस तरह से आपको लॉक करना है और किस तरह से आपको वेरीफाई करना है। अब देखिए आपको कार्मिक का डाटा वेरीफाई किस तरह से करना है, तो ये जो जब आप डाटा प्रपत्र 10 सभी कार्मिकों का लॉक कर देंगे तो आपको इस तरह से ये जो लॉक का साइन है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसके बाद में आपको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए जैसे ही आप इस स्क्रीन को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर आपके सभी कार्मिकों के नाम आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और आपको उस कार्मिक का नाम पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कार्मिक के नाम पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया विंडो यहाँ पर ओपन होगा और इस नए विंडो में आपको उस कार्मिक की जो बेसिक प्रोफाइल है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी और उस बेसिक प्रोफाइल में आपको यहाँ नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा सत्यापित करें और यहाँ पर आपको सत्यापित पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सत्यापित पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी जो कार्मिक की प्रोफाइल है वो वेरीफाई हो चुकी है। तो इस प्रक्रिया को दोहराते हुए आपको प्रत्येक कार्मिक का प्रपत्र 10 वेरीफाई आपको करना है। तो यह थी एक छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।